गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुकली स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है लंबर पंचर, जो कि अपने आप में ही एक काफी वैल्यू रखता है। तो लंबर पंचर से पहले मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि आपको वो सब आता है या नहीं आता है। तो देखिएगा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट असिस्टिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द लंबर पंचर। सबसे पहले, लंबर पंचर इज द इंसर्शन ऑफ द निडल इनटू द लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्त, कि लंबर पंचर के लिए निडल को कौन से स्पेस में कहां पर इंसर्ट करना होता है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा आपके लिए कि लंबर पंचर के लिए निडल कौन से एरिया में इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, सब एरेक्नोइड स्पेस, ओके, टू विड्रॉ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। दोस्तों, अब जानते हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूं। तो ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं स्कल, ठीक है। स्कल के भीतर होती हैं ये सबसे पहली मेनिंजीज, ब्रेन के आसपास तीन मेनिंजीज हम जानते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो ये सबसे पहला मेनिंजीज होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्त ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। इसके अंदर वाला जो इनर मोस्ट मिडिल वाला जो मेनिंजीज है, उसको कहते हैं एरेक्नोइड मैटर। क्या कहते हैं? एरेक्नोइड मैटर, ओके दोस्त। और सबसे इनर मोस्ट मेनिंजीज जो होता है, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। क्या कहते हैं? पाया मैटर। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स का कवरिंग होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट में स्कल होगा, ड्यूरा मैटर होगा, एरेक्नोइड मैटर होगा, पाया मैटर होगा। क्लियर है? इस तरह से ब्रेन के ऊपर लेयरिंग्स होते हैं। अब हम जानते हैं दोस्त कि कहां से हम बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे। तो जो आप ये सबसे पहले ड्यूरा मैटर देख रहे हो, ड्यूरा मैटर के ऊपर वाला, देखो बेटा, एरेक्नोइड स्पेस आप जानते होंगे सब बहुत अच्छे से, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोन मैरो एस्पिरेशन कहां से किया जाता है, और मैं ऑप्शन में केवल आपको दे देता हूं एरेक्नोइड स्पेस, तो क्या आप सही आंसर मान देंगे इसे? नहीं है गुरु, सही नहीं है भाई। एरेक्नोइड स्पेस दो प्रकार के होते हैं, राइट। अभी बताऊंगा आपको कि क्या क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, जब आप कंप्लीटली कहेंगे कि सब एरेक्नोइड स्पेस, तो आपका आंसर सही होगा। देखना, इस एरिया को क्या कहते हैं, जो ड्यूरा मैटर के ऊपर वाला एरिया है दोस्त, इसको क्या कहेंगे आप? एपीड्यूरल एरिया। क्या बोलते हो? एपीड्यूरल एरिया। फिर ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बिटवीन वाली जो स्पेस है, इसको क्या कहेंगे आप? सब ड्यूरल। क्या कहोगे? सब ड्यूरल स्पेस, ओके। फिर हम कहेंगे आपसे कि एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बिटवीन एरिया को क्या कहोगे आप? तो इसे कहोगे आप सब एरेक्नोइड स्पेस। क्लियर? सब एरेक्नोइड स्पेस। तो अब हम कहें आपसे कि एपी एरेक्नोइड स्पेस कौन सा होगा? एपी एरेक्नोइड स्पेस किसे कहोगे आप? सब ड्यूरल स्पेस को। तो एरेक्नोइड के ऊपर वाले स्पेस को क्या कहोगे आप? इपी एरेक्नोइड। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पकड़ता हूं सब एरेक्नोइड, इपी एरेक्नोइड, तो आप क्या कहेंगे? सब एरेक्नोइड। तो कंप्लीटली योर आंसर विल बी सब एरेक्नोइड स्पेस। क्लियर है दोस्त? तो ये जो हम निडल इंसर्ट करते हैं एलपी के लिए, वो कहां करेंगे? सब एरेक्नोइड स्पेस, जो कि कौन कौन सी दो लेयर्स के बिटवीन होता है। सब एरेक्नोइड स्पेस कौन सी दो लेयर्स के बिटवीन हो पाया जाने वाला एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो सब एरेक्नोइड स्पेस कहां पर बोला जाता है दोस्त? एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, दो लेयर्स के बिटवीन, एरेक्नोइड और पाया मैटर दोनों के बिटवीन जो एरिया है वो कहलाएगा सब एरेक्नोइड। और इस एरिया में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो जवाब देना मेरे सवाल का, कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है, बताइए।
सीएसएफ कौन सी स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है? पहला सवाल, सीएसएफ प्रोडक्शन करने वाली स्ट्रक्चर का नाम बताइए, क्या नाम है? पहला स्टूडेंट का जवाब आते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश। कोरोइड प्लेक्सस। सही आंसर क्या है? कोरोइड प्लेक्सस। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड प्रोड्यूस्ड इन द कोरोइड प्लेक्सस। क्लियर। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? दूसरा सवाल, कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट होने वाला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? जवाब दीजिएगा, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल अमाउंट, जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 120 ml यूजुअल अमाउंट ऑफ सीएसएफ। अच्छा, सीएसएफ का पीएच कितना होता है बताइए? 120 ml याद रखिएगा। अच्छा, पीएच बताइएगा, नॉर्मली पीएच कितना होता है सीएसएफ का पीएच? सीएसएफ का पीएच पूछ रहा हूं आपसे, कितना होता है? अमाउंट तो आपने अभी बता ही दिया है, अमाउंट अमाउंट 120 ml, ठीक है। पीएच कितना? वेरी गुड, टारगेट जोधपुर, जोधपुर एम्स, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो आप। नॉर्मली पीएच होता है दोस्त सीएसएफ का 7.33, यानी कि सीएसएफ एल्केलाइन पीएच वाला फ्लूड है, एसिडिक है या एल्केलाइन? एल्केलाइन पीएच वाला फ्लूड होता है। क्लियर। अब मुझे बताइए, एक मिनट में पर मिनट सीएसएफ प्रोडक्शन की रेट कितनी होती है? पर मिनट सीएसएफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पर मिनट रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन, प्रति मिनट सीएसएफ प्रोडक्शन की रेट जवाब दीजिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ पर मिनट। ये 120 ml जो आंसर दे रहा है अरुण, बेटा याद रखना, नॉर्मल अमाउंट बता रहे हो आप, पर मिनट आप जवाब दीजिएगा, व्हाट इज द रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन पर मिनट? कंफ्यूजनल है, आप में से कई स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे। पर मिनट सीएसएफ प्रोडक्शन का रेट सुन लीजिएगा, रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो यदि अगर आपसे रेट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन कहा जाए तो 0.5 ml पर मिनट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। यदि इसी के बारे में पूछा जाए तो 30 ml पर हावर, ओके। यदि आपसे कहा जाए दोस्त पर डे, तो फिर आंसर होगा 720 ml पर डे, 720 ml पर डे। तो तीन तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, पर मिनट, पर हावर और पर डे। तो पर मिनट 0.5 ml, पर हावर 30 ml और पर डे 720 ml। क्लियर है? इस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे सीएसएफ वाले क्वेश्चंस को। क्लियर। आपने बताया कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, आपने कहा 7.33 एल्केलाइन पीएच होती है, राइट। लंबर पंचो सब एरेक्नॉइड से किया जाता है, सब एरेक्नॉइड कौन सी दो लेयर्स के बिटवीन है? तो एरेक्नॉइड और पाया के बिटवीन है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो ड्यूरा मैटर है, ओके। फिर आपसे कहा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, तो आपने कहा 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर हार या फिर 720 ml पर डे। क्लियर है यहां तक? अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा दोस्त, सीएसएफ के लिए पंचर साइट क्या होती है?
वी वांट टू कलेक्ट द सीएसएफ सैंपल, यानी कि सिंपल सा हम सीएसएफ सैंपल कलेक्ट करने के लिए लंबर पंचर कर रहे हैं। तो लंबर पंचर के लिए फर्स्ट साइट बताइए, साइट ऑफ चॉइस इन अडल्ट्स लंबर पंचर के लिए। वेरी गुड, बताओ 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 जल्दी। तो ये क्वेश्चन काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं जो आएंगे। वेरी गुड, लंबर पंचर के लिए साइट ऑफ चॉइस होता है दोस्त, साइट ऑफ चॉइस है L3 एंड L4, बिटवीन L3 एंड L4। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि लंबर पंचर तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लंबर वर्टिब्रा में से होकर किया जाता है, लंबर वर्टिब्रा में से होकर किया जाता है, इसलिए इसको लंबर पंचर कहते हैं। यह बात तो क्लियर ही है, कोई डाउट ही नहीं है। अब साइट ऑफ चॉइस है L3 L4। जो सेकेंड साइट होता है वो है दोस्त L2 L3। L2 L3 से भी लंबर पंचर किया जा सकता है। तो सेकेंड साइट इज द L2 L3, फर्स्ट साइट इज द साइट ऑफ चॉइस और वो है L3 L4। समझ गए? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सुने ध्यान से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना। इंटरेस्ट आ रहा है ना, मजा आ रहा है? सारे क्वेश्चन क्लियर करके फिर हम सीखेंगे लंबर पंचर कैसे करेंगे, क्योंकि उससे पहले बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, लंबर पंचर के लिए पोजीशन ऑफ चॉइस कौन सा होता है? इन दोनों इमेज को देख करके, दो पोजीशन आपको मैंने बता रखी है कि दो पोजीशन में लंबर पंचर किया जा सकता है। सिटिंग में भी लंबर पंचर होता है और लाइंग पोजीशन में भी लंबर पंचर होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पोजीशन ऑफ चॉइस किसे बोलोगे दोनों में से? दिल्ली एम्स में आएगा ये। दोनों में से पोजीशन ऑफ चॉइस किसे कहोगे, लाइंग को या सिटिंग को? अरे शाबाश, मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, ग्रेट दोस्त। ये वाला जो पोजीशन होगा, ये वाला पोजीशन लाइंग पोजीशन, इसमें नी को जितना फ्लेक्स कर सके नी को फ्लेक्स कर देना है ऐसे, और लेग्स को भी जितना फ्लेक्स कर सकते हैं उतना फ्लेक्स करके आप उसको एब्डोमेन पे चिपका दें और आप हेड को यहां चेस्ट पे चिपका दें। तो ऐसा करने के बाद पेशेंट को बिल्कुल इधर से फ्लेक्स करने के बाद एंटीरियरली पेशेंट की जो पोजीशन आएगी वो आती है सी सेप पोजीशन। कौन सा पोजीशन? सी शेप पोजीशन। ओके दोस्त, और दिस इज द पोजीशन ऑफ चॉइस, दिस इज द पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर लंबर पंचर। सी शेप पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर लंबर पंचर। यदि इस पोजीशन में पेशेंट को नहीं लाया जा सकता है तो सेकंड अपने पास ऑप्शनल पोजीशन है और वो है दोस्त सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग को हमेशा क्या याद रखोगे आप, कि ये हमारे पास एक ऑप्शनल है, सेकंड चॉइस है। फर्स्ट हमारी प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी होती है? सी सेप पोजीशन, यानी कि लाइंग पोजीशन विद द हेड फ्लेक्स्ड ऑन द चेस्ट और नी एंड थाइस फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन। क्लियर है? इस तरह से हम पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। समझ गए पोजीशन? अब मेरा लास्ट सवाल आता है, सुनना ध्यान से। अपराइट पोजीशन में सीएसएफ प्रेशर कितना होता है? क्या पूछ रहा हूं? सीएसएफ प्रेशर इन अपराइट पोजीशन, ठीक है? जवाब दो, अपराइट पोजीशन में सीएसएफ प्रेशर कितना होता है? सीएसएफ प्रेशर इन अपराइट पोजीशन, करिए जवाब।
शाबाश। देखिएगा दोस्तों, अपराइट या फिर सिटिंग पोजीशन, क्या बोल सकते हो इसको, सिटिंग या अपराइट। तो अपराइट या सिटिंग पोजीशन में सीएसएफ का प्रेशर होता है दोस्त 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ओके, लेकिन यदि अगर हमसे यही क्वेश्चन फिर से पूछा जाए और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, लाइंग पोजीशन में सीएसएफ प्रेशर, लाइंग पोजीशन में सीएसएफ प्रेशर कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2। तो यू नो दैट द सीएसएफ प्रेशर इन द लाइंग पोजीशन इज द 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप। नॉर्मल आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जवाब दीजिए। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, नॉर्मल आईसीपी कितना है, भारतीय बिश्नोई। थैंक यू सो मच, गुड आंसर। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर का वैल्यू होता है दोस्तों 5 to 15 mm ऑफ Hg। ओके, तो याद रखना, जब आपसे सीएसएफ प्रेशर पूछा जाए तो आंसर्स होंगे सेंटीमीटर ऑफ H2O में, लेकिन जब आपसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर पूछा जाएगा तो आंसर होगा दोस्त mm ऑफ Hg में। क्लियर है? दोनों को ही बड़े ध्यान से देख लेना और समझ लेना। जब आपसे सीएसएफ प्रेशर की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा सेंटीमीटर ऑफ H2O में, जब आपसे आईसीपी की बात करेंगे तो आंसर होगा एमएम ऑफ एचजी के अंदर। चलिएगा, अब हम बात करते हैं लंबर पंचर के पर्पस। पहला पर्पस होता है टू एडमिनिस्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया। ये हमारा यूजुअल प्रोसीजर है जो अक्सर हॉस्पिटल में चलता ही रहता है। किस पर्पस से? तो हॉस्पिटल में लंबर पंचर सबसे ज्यादा कौन से पर्पस से किया जाता है? याद रखना, आने वाले एग्जाम का प्रश्न हो सकता है। तो सबसे ज्यादा लंबर पंचर किया जाता है स्पाइनल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने के पर्पस से। पहला क्वेश्चन, बिफोर सर्जरी। तो पर्पस कौन सा मोस्ट कॉमन पर्पस होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल पर्पस फॉर लंबर पंचर? तो आप क्या आंसर करोगे बेटा, स्पाइनल एनेस्थेसिया। ओके, ऐसा क्वेश्चन करता है दिल्ली वाला। ओके, टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इन टू स्पाइनल कैनाल इन केस ऑफ द मेनिंजाइटिस। दूसरा, लंबर पंचर करने की आवश्यकता होती है जब मेनिंजाइटिस का पेशेंट कुछ एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर और उसको दवाई एडमिनिस्टर करनी होती है। टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नेक्स्ट लंबर पंचर किया जाता है। आईसीपी किसी क्लाइंट का बढ़ जाता है, जैसे किसी को हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई तो आईसीपी बढ़ जाएगा साहब, या फिर उस पेशेंट में हार्मोनल इम्बेलेंस हो गए तो आईसीपी बढ़ता है। तो ऐसे केसेस जिनमें आईसीपी बड़ा होता है, उनमें आईसीपी रिड्यूस यदि मेडिसिन से नहीं होता है, मैनिटोल वगैरह से, तो आप फिर ये डिसीजन ले सकते हो एलपी करने का। टू परफॉर्म द डायग्नोस्टिक स्टडी, जैसे माइलोग्राम डायग्नोस्टिक पर्पस से एलपी किया जाता है। टू डिटेक्ट द सब एरेक्नोइड ब्लॉक, टू डिटेक्ट द सब एरेक्नोइड ब्लॉक वी ऑल्सो डू द एलपी। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस। फर्स्ट इज द स्पाइनल एनेस्थीसिया, मैनिंजाइटिस, इंक्रीज आईसीपी एंड टू रिड्यूस द, टू डिक्रीज द आईसीपी अगेन, माइलोग्राम एंड टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। दीज आर पर्पस बिफोर बिहाइंड द लंबर पंचर। क्लियर है दोस्त, बात समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड ना। अरे भाई बोलो, बढ़े क्या आगे? ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है एपिड्यूरल इंफेक्शन। यदि एपिड्यूरल इंफेक्शन किसी पेशेंट को हो रहा है और अगर हम निडिल इंसर्ट कर देते हैं,
तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, सीएसएफ में, ब्रेन के अंदर चला जाएगा, मेनिनजाइटिस कर सकता है, इसलिए अवॉइड द लंबर पंचर। सीवियर साइकेट्रिक और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, यदि किसी क्लाइंट को साइकोटिक या न्यूरोटिक प्रॉब्लम से और वो कॉपरेट नहीं कर रहा है तो उस क्लाइंट को क्या करें, लंबर पंचर नहीं करें। क्रोनिक बैकएक हो रहा हो तो लंबर पंचर नहीं करना है, या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रहा हो, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, इस केस में भी हमें लंबर पंचर नहीं करना है। अनस्ट्रीन, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के केस में भी लंबर पंचर नहीं किया जाता है। अनस्ट्रीन गाइस, आइए जानते हैं स्टेराइल ट्रे में क्या क्या होगा, यानी जिसे आप एलपी सेट कहते हो उसमें क्या क्या होगा। एल्फी निडल होगा, स्टाइलेट साथ में होगा, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप होगी, स्मॉल बॉवेल होगा, स्पेसिमेन बॉटल होगा, कॉटन बॉल, गोज पीस, कॉटन पैड होंगे, ड्रेसिंग आर्टिकल्स होंगे। क्लियर। दूसरा है क्लीन ट्रे। क्लीन ट्रे में क्या क्या होगा, तो क्लीन ट्रे में मैकिन टूज एंड टावेल होगा। क्या क्या होगा, आइए जानते हैं क्लीन ट्रे के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए क्लीन ट्रे में क्या क्या रखना है आपको, तो क्लीन ट्रे में मैकिन टूज एंड टॉवल, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग, स्प्रिट, आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, लिग्नोकेन होगा, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन होगा, एडेसिव प्लास्टर और सीजर होगी, स्टेराइल ग्लव्स, गाउन एंड मास्क होगा। एक याद रखना, ये आता है इसके अंदर थ्री वे एडेप्टर, मैनोमीटर भी आपको रखना है और ट्यूबिंग रखना है। एलपी करने जा रहे हो तो याद रखना, मैनोमीटर रखना मत भूलना। ये वैसे तो किट में आता है, एलपी किट के अंदर ये सब आता है इनबिल्ट। जो एलपी किट आप मंगवाएंगे पेशेंट से उसमें ये सब आएंगे, दो मैनोमीटर आएंगे उसके अंदर, ये थ्री वे एडेप्टर भी आएगा और ट्यूबिंग आएगा। सिरिंज और निडिल फॉर लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करने के लिए हमेशा आपको 5 to 10 सीसी या 20 सीसी का निडल चाहिए, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, सिरिंज चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रोसीजर, आइडेंटिफाई द पेशेंट और एक्सप्लेन द प्रोसीजर, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉइड बिफोर द प्रोसीजर। तो यूजुअली जो मैं आपको पिछली कई क्लासेस में समझा चुका हूँ वो सब हम यहाँ बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्यों किया जाता है और वॉइड करने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं, एंश्योर दैट द पेशेंट इज कंफर्टेबल। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मूवमेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर कॉजेज इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड और इट्स नर्व। यदि पेशेंट अगर प्रोसीजर के दौरान मूवमेंट्स कर लेता है, हलचल करता है, तो उससे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने की संभावना होती है। अरे भाई बोलो, जिसने लेक्चर लाइक नहीं कर रखा है वो लाइक करो यार, ठोको लाइक, जल्दी से लाइक कर दिया करो तुम लोग यार। चेक द बीपी पल्स और रेस्पिरेशन, चेक कर लो बीपी पल्स रेस्पिरेशन। पोजिशन द पेशेंट ऑन द साइड ऑफ द एज ऑफ बेड, सबसे पहले तो पेशेंट को किसका करके और बेड के किनारे पे ले आओ, ले आए किनारे पे, बेड के किनारे पे लेके आ जाना है। ओके, किनोर पे लाने के बाद क्या करें, विद बैक टुवर्ड द पोजीशन, आपकी तरफ उसका क्या होना चाहिए, बैक साइड, क्या होना चाहिए, बैक साइड होना चाहिए। ठीक है, बैक साइड होने के बाद थाइज और लेग्स आर फ्लेक्स्ड। मैंने कहा था आपसे कि पैरों को और थाइज को जितना मोड़ सको, यार लाइक कर दो यार तुम लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, मुझे लाइक कम होते हैं ना, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लाइक बराबर चलने दिया करो, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम मत रहने दिया करो। तुम लाइव जितने होते हो उतने लाइक तो कम से कम रहना चाहिए। इधर नजर पड़ती है ना डिस्प्ले के ऊपर, तो थोड़ा ऐसा लगता है यार मुझे कि लाइक नहीं करते बच्चे, राइट ऐसा लगता है कि तुम लोग, जैसे मुझे डिल्यूशन हो रहा है कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो, राइट। अब पता नहीं ये डिल्यूशन है या सच में ही नहीं करते हो, आई डोंट नो। पोजीशन, थाइज और लेग्स को फ्लैक्स कर दें, थाइज और लेग्स बढ़िया तरीके से फ्लैक्स कर दीजिएगा जितना कर सकते हो, एज मच एज पॉसिबल। क्या कहा, एज मच एज पॉसिबल। ऐसा करते ही और पेशेंट की पोजीशन कैसी आ जाएगी, सी सैप आ जाएगी भाई। कौन सी आ जाती है, सी सैप, जो हमने कहा था पोजीशन ऑफ चॉइस। ठीक है, द हेड एंड नेक आर फ्लेक्स। अब क्या करो, गर्दन को और हेड को भी मोड़ दो,
अरे मोड़ दो, मतलब ऐसा मत कर देना, तोड़ दो उसकी गर्दन को। गर्दन तोड़ मत देना गधो, मोड़ देना है, मोड़ना, फ्लेक्स कर देना, चेस्ट पे अटका देना है, क्लियर है? तो हेड एंड नेक आर फ्लेक्स, देन ब्रोड टुवर्ड द चेस्ट, कीप हैंड्स बिटवीन नीज। और हाथ कहाँ रखना है? पेशेंट के हाथ जो है वो नीज के बिटवीन सेट कर देना, ऐसे करके दोनों घुटनों के बीच में, ठीक है? ऐसी पोजीशन आपको प्रोवाइड करनी है। आ गया सबको? पोजीशन देना, पोजीशन देना आ गया क्या सबको? लंबर पंचर वाले क्लाइंट्स को आज अपने पास जो भर्ती हो रहा है पेशेंट, उसको अपन क्या करेंगे? लंबर पंचर करेंगे, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस हो रहा है। मेनिंजाइटिस हो रहा है इसलिए लंबर पंचर करेंगे, डायग्नोसिस पर्पज से या दवा मेडिसिन वगैरह एडमिनिस्टर करने के पर्पज से। सबको आ गया? चलो ये देख लो, ये वाली पोजीशन, ठीक है? इधर से हमने क्या किया, नेक और हेड को बेंड कर दिया, और इधर से हमने क्या किया दोस्त, इधर से नीज और थाइज को बेंड कर दिया, ओके? और ये साइट मार्क कर लिया जहां से हम लंबर पंचर करेंगे, ओके? पोजिशनिंग पेशेंट फॉर द लंबर पंचर साइड लाइन सी शेप, और ये दूसरा पोजिशनिंग पेशेंट फॉर द लंबर पंचर सिटिंग। दोनों के डायग्राम्स आपके सामने हैं। कीप अ पिलो अंडर द हेड, सिर के नीचे एक पिलो लगा दें। पिलो अंडर द हेड, मेंटेन द स्पाइन इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हेड के नीचे अगर आप पिलो नहीं लगाओगे तो हेड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और हमें स्पाइन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिर के नीचे पिलो लगाना होगा। ओके, लगा दो भाई, लगा दो, जल्दी करो यार, टाइम खराब मत करो, पिलो लगा दो, लगाओ जल्दी से, पेशेंट के सिर के नीचे पिलो लगा दो। लगा दिया? आप लोग जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। लगा दिया ना? बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे टाइम से काम किया करो, जैसे ही मैं इधर से बात कहूं आपसे, आप तुरंत ही उसको फॉलो किया करो, ठीक है? लगा दिया क्या? लगा दिया, वेरी गुड। एनकरेज द पेशेंट टू रिलैक्स और ब्रीथ नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रोसीजर। रिमाइंड पेशेंट दैट शी शुड नॉट टॉक। बोलो अपने पेशेंट को, बोलो भाई लंबी सांस लो, बोलो उसको लंबी सांस लो, अपने अपने मरीज को बोलो, सब लोग, तुम सबके पास लंबर पंचर के लिए मरीज हैं, भर्ती हो रहे हैं तुम्हारे रूम में, एलपी वाले पेशेंट है तुम्हारे सबके पास, बोलो उसको फटाफट से, बोल दो जल्दी से भाई रिलैक्स हो जाओ, क्या बोलो, एनकरेज करो उसको, एनकरेज करो जल्दी से, किसके लिए, रिलैक्स होने के लिए और नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। ये नॉर्मल सांस लो, डीप ब्रीद मत बोल देना, बोल दिया, बोलो भाई रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जाओ, आराम से लेट जाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग करो आराम से, जैसे ब्रीदिंग करते हो सांस लो बढ़िया आराम से, रिलैक्स हो जाओ, हो गया? याद रखना पेशेंट से बातें मत करना, पेशेंट से बातें मत करो, ठीक है? कोई भी नहीं कर रहा ना गलती, गलती मत करना। पेशेंट दैट शीड नॉट टॉक, आपको टॉकिंग नहीं करना है। हाइपर वेंटिलेटिंग में कॉज एंड एरर इन द प्रेशर रीडिंग। अगर आपने आपका पेशेंट तेज तेज सांसें ले रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, एरर रीडिंग में प्रॉपर जो डाटा मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। फोल्ड बैक द अपर गारमेंट्स अबो द वेस्ट लाइन एंड द लोअर गारमेंट बिलो द हिप, एक्सपोजिंग द साइट। पेशेंट के लोअर गारमेंट्स हिप से नीचे कर दो, और अपर गारमेंट्स को पंचर लाइन जो हमने मार्क कर रखी है उससे ऊपर कर दो। जल्दी करो भाई, कर दो, अपर गारमेंट्स को ऊपर कर दो, पंचर लाइन से ऊपर, वेस्ट लाइन से ऊपर कर दो, और लोअर गारमेंट्स को हिप से नीचे उतार दो। हो गया? कर दिया? अवॉइड एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट, ओवर एक्सपोजर मत करना, ओके? चलो, असिस्ट द फिजिशियन इन किलिंग द पंचर साइट विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेसिया। सबसे पहले तो आप क्या करो, साइट को प्रिपेयर कर लो, क्लीन कर लो साइट को, साइट क्लीन हो गया, साइट क्लीन कर लो, एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करेंगे सबसे पहले, लोकल एनेस्थेसिया। कौन सा एनेस्थेसिया, याद रखना स्पाइनल मत बोल देना, स्पाइनल की जरूरत नहीं है, केवल जहां पंचर करेंगे ना वहां पर कौन सा एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, लोकल।
यहाँ गलती मत करना आप लोग, क्वेश्चन पुट अप कर लूंगा मैं यहाँ से कि कौन सा एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लोकल ना कि जनरल या फिर ना स्पाइनल। कर दिया, एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया, ये लो, ये हमने नेडल इंसर्ट करके क्या करा, लोकल एनेस्थेटिक, स्पाइनल नेडल इंसर्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस, एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया। अब क्या करें, स्पाइनल नेडल इंसर्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस बाय द फिजिशियन थ्रू द थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अरे यार, इंटरवर्टिब्रल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस नहीं, इंटरवर्टिब्रल स्पेस। ठीक है, यहां से तो हम कहां से, L3 या L4 से, और L4 या L5 से होकर के नेडल इंसर्ट कर देंगे। कर दो नेडल इंसर्ट, करो, एनेस्थेसिया दे दिया, नेडल इंसर्ट कर दो, कर दिया, नेडल साइज वगैरह सब अभी बता दूंगा मैं वापस से, नेडल इंसर्ट करो, कर दिया। चलो आगे बढ़ता हूं, फिजिशियन रिमूव द स्टाइलेट और कनेक्ट द थ्री वे अडेप्टर। स्टाइलेट को निकाल दो नेडल में से, नेडल में से स्टाइलेट को निकाल करके निकालो फटाफट, निकाल दिया। अब क्या कनेक्ट करना है वहां पे, थ्री वे अडेप्टर जो हमने पहले ही रख रखा है कनेक्ट कर दो, और मैनोमीटर फिल विद द नॉर्मल सलाइन, और मैनोमीटर कनेक्ट कर दो एनएस से भरा हुआ, जल्दी करो यार। निकाल दिया स्टाइलेट निकाल करके, और थ्री वे कनेक्टर के माध्यम से मैनोमीटर जोड़ दो, एनएस वाला मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या बनना है, एनएस, एनएस वाला मैनोमीटर जोड़ दो। जोड़ दिया सबने, कर दिया। प्रेशर नापेंगे अब, पहले डायरेक्ट सीएसएफ निकालना नहीं है, अभी प्रेशर चेक करेंगे। मैनोमीटर जोड़ दिया सबने, शाबाश। ऑप्टेन सीएसएफ प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर 6 से 13 mm ऑफ मर्क्यूरी और 80 से 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो याद रखना ये कुछ वैल्यूज हैं, सीएसएफ प्रेशर, नॉर्मली प्रेशर। यार थोड़ा कंफ्यूज ना लेना, स्टार्टिंग में जो हमने चर्चा की थी उसमें इसमें, बट इसको शॉर्ट आउट कर लेना एक बार, जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूशंस मैंने बता रखी हैं और ये वाली जो है, दोनों में एक बार लिख करके आप, और आप उसको कर लेना मैच, क्योंकि अभी टाइम खराब होगा, मैं नहीं चाहता हूं। ओके, देन उसके बाद कलेक्ट द सीएसएफ स्पेसिमेन इंटू थ्री स्पेसिमेन बॉटल। अब आती है बात कि आपने सीएसएफ का सैंपल निकाल लिया, सीएसएफ सैंपल निकालने के बाद में कितनी बॉटल्स में अपन इसको कलेक्ट करेंगे, तो 3 बॉटल्स के अंदर आपको इसे कलेक्ट करना है। कितनी बॉटल्स में, 3 बॉटल्स के अंदर। ओके, निडल इज विड्रॉ बाय द फिजिशियन, और निडल निकाल लो, निकाल लो निडल, क्लियर, निकाल लिया। असिस्ट द फिजिशियन इन सीलिंग द पंचर साइट विद द टिंचर बेंजोइन और अप्लाई द स्टेराइल ड्रेसिंग। टिंचर बेंजोइन ड्रेसिंग अप्लाई कर दीजिएगा, ड्रेसिंग कर दीजिए फटाफट, ड्रेसिंग करो, ड्रेसिंग करो, ड्रेसिंग करो, क्लियर, ड्रेसिंग करो जल्दी से। कौन सी ड्रेसिंग करोगे, कौन सी कर रहे हो भाई, टिंचर बेंजोइन वाली कर दो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बी फ्लैट फॉर 12 to 24 hours। पोस्ट प्रोसीजर कितने समय तक हमें उसे फ्लैट रखना है, तो 12 से 24 घंटे तक हमें फ्लैट रखना है। मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंचर, जैसे कि चेक द वाइटल साइन एवरी हाफ एंड एन आवर फॉर 3 to 4 hours। हर आधे आधे घंटे में आप इसके वाइटल चेक करते रहना। चेक द पंचर साइट फ्रिक्वेंटली फॉर सीएसएफ लीकेज, और पंचर साइट को भी चेक करते रहना, कहीं वहां से सीएसएफ लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। देन एनकरेज द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूड आफ्टर द प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद फ्लूड अमाउंट बढ़ा देना। देन रिकॉर्ड द प्रोसीजर विद द डेट टाइम सीएसएफ प्रेशर अमाउंट ड्रॉन कलर नेचर ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड एंड जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, क्लियर है। देन सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, इफ नो कॉम्प्लिकेशन आर ऑब्जर्व गिव द अपराइट पोजिशन टू द पेशेंट आफ्टर 24 आवर। 24 घंटे के बाद पेशेंट को कौन सी पोजिशन देना है, तो अपराइट पोजिशन में पेशेंट को हम रखेंगे, कब, आफ्टर 24 आवर, क्लियर है दोस्त। एक यार वो सीएसएफ की जो नॉर्मल वैल्यू वाला जो था ना स्टार्टिंग में लेक्चर के, वो मैंने शायद वहां पे कुछ गलत बता दिया, सेंट यूनिट गलत बता दी वो आपको मैंने, वो एमएम ऑफ एचजी वाली यूनिट थी, वो मैंने सेंटीमीटर ऑफ H2O बता दिया है शायद, तो आप उसको ऐसा करना, देख लेना, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना।
वरना मेरे ऊपर पत्थर मत मारना कल से मेरे भाटे फेंकने लग जाओ तुम लोग, ठीक है ना। तो उसको क्या करना बेटा, उसको देख लेना एक बार आप सीएसएफ की नॉर्मल वैल्यूज वगैरह जो हैं, नॉर्मल वैल्यू सीएसएफ प्रेशर वाली, सीएसएफ प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है ना, जो प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू, उसमें वो यूनिट का वेरिएशन आ गया है। वो यूनिट का वेरिएशन मैंने शायद, मुझे याद आ रहा है कि लेक्चर के शुरुआत में बताया था, और वो थोड़ा यूनिट मैंने गलत बता दिया, वो सेंटीमीटर ऑफ H2O बता दिया आपको, जबकि वहां आना चाहिए था MM ऑफ HG, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना उसको और करेक्ट कर लेना अपने एंड पे, इतना काम तो तुम कर ही सकते हो। है ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही नई जानकारी, तुम सब नर्सिंग कंप्लीटेड किए हुए हो, स्टूडेंट हो, समय सब पता है, और नॉर्मल वैल्यू वैल्यू के क्वेश्चन है, ज्यादा रैशनल वगैरह की कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा आप जानते हैं हम स्पेशल कंसिडरेशन, तो मॉनिटर फॉर द न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, प्यूपिल साइज, नमनेस, टिंगलिंग और द पेन इन द लेग्स एंड लोअर बैक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। दोस्त हमें प्रोसीजर से पहले भी और प्रोसीजर के बाद में भी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के लिए असेस करना है। देन इफ स्पाइनल हेडेक इज प्रेजेंट, डिस्टर्ब द पेशेंट टू, अगर पेशेंट को स्पाइनल हेडेक हो रहा है, यदि अगर प्रोसीजर के बाद, क्या कहा हमने, यहां से याद रखना, एनक्लेक्स का क्वेश्चन बनाऊंगा बहुत शानदार वाला। एनक्लेक्स कहां से बनी, तो एनक्लेक्स इसमें से बनी, ठीक है। एनक्लेक्स कहां से बनी, तो एनक्लेक्स इन्हीं गाइड से बनी है, ओके। जो प्रोसीजर वाली पोर्टर पेरी, और दूसरा ये जो आपके पास सेकंड वाली जो गाइड है, ये वाली एनामा जकॉब, इनसे मिलाकर के एनक्लेक्स के क्वेश्चंस बनाए गए, मॉस्बी के बनाए गए, और जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो सब क्वेश्चंस इन्हीं में से, गाइड्स में से बनाए जाते हैं, थ्योरेटिकल गाइड्स में से। तो दोस्त सबसे ज्यादा खतरनाक जो काम होता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल गाइड्स को पढ़ना, थ्योरेटिकल बुक्स को पढ़ना, ठीक है। गाइड्स तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन बुक्स पढ़ोगे तो दिमाग तेज होएगा। बुक्स पढ़ना चमन प्रकाश का काम करता है, चमन प्रकाश खाओ ऐसा काम करता है बुक्स पढ़ना, ठीक है, उससे भयंकर वाला टैलेंट आपके अंदर डेवलप होता है। तो देखिएगा अब हम क्या कह रहे हैं, इफ स्पाइनल हेडेक इज प्रेजेंट, डिस्टर्ब द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूड इनटेक, अवॉइड द एस्पिरिन और कैफीन। यदि अगर पेशेंट को स्पाइनल हेडेक होने लग जाए तो क्या करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन देने हैं उसको। कीप द लाइट डिम इन द पेशेंट रूम, अवॉइड एक्सेसिव स्टिमुलेशन और अवॉइड द वाल्सल्वा मैनूवर, और एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, और मेंटेन द फ्लैट पोजिशन कम से कम 12 to 24 आवर विदाउट पिलो। देन देखिए स्पेशल कंसिडरेशन ही, वंस निडिल इज एंटर्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस, हेल्प द पेशेंट टू स्लोली स्ट्रेटर द लैग टू रिड्यूस द फॉल्स रिकॉर्डिंग ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज मसल टेंशन और कंप्रेशन में एलिवेट द प्रेशर रिकॉर्डिंग। दोस्त याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, कि जब आप एलपी करने के लिए निडिल इंसर्ट कर देते हो और निडिल क्या है सब एरेक्नॉइड में पहुंच जाए, उस समय आप पेशेंट को कहना कि पैर लंबे कर ले। उस समय पेशेंट को पैरों को लंबा करने के लिए इंस्ट्रक्शन आपको देना है, वरना क्या होगा, सीएसएफ की जो रीडिंग आप मेजर करोगे वो हो सकता है फॉल्स आ जाए, बढ़ी हुई आ जाए, ठीक, ध्यान रखिएगा। इफ प्रेशर रीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द निडिल इन टू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, द सीएसएफ स्पेसिमेन इज टेकन इन दिस केस, द थ्री वे अडेप्टर एंड मैनोमीटर ट्यूबिंग आर नॉट रिक्वायर्ड। यदि अगर आपको प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली विदाउट इस इंस्ट्रक्शन के भी आप पेशेंट का सीएसएफ एस्पिरेट कर सकते हो और अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ मैनोमीटर की या थ्री वे एडप्टर को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बोलो भाई, यहां तक पहुंच गए ना आप लोग, सब इंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, अपने अपने पेशेंट को सही से इंस्ट्रक्शन करना, सही से हैंडल करना, क्योंकि हमें पूरा सक्सेसफुल करना है प्रोसीजर, प्रोसीजर को पूरा सक्सेस करके पेशेंट को भेजेंगे, ओके। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं दोस्त, तो सबसे पहला एलपी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीएसएफ का लीकेज होना, इन्फेक्शन होना, पोस्ट पंचर हेडेक होना, पैरालिसिस होना, हेमाटोमा होना, दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस। ये सब वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लंबर पंचर के कारण होते हैं, ओके।
आइए जानते हैं निडल्स के बारे में। ये स्टाइलेट है निडल का और ये स्पाइनल निडल है। स्पाइनल निडल और उसका स्टाइलेट दिख रहा है, ये स्टाइलेट है, ये लंबर पंचो निडल है। फिर से अलग अलग टाइप से दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्पंज होल्डिंग फोर्से पे पिछले 8-10 लेक्चर से दिखा रहा हूं, याद ही हो गया होगा अब तो आपको। स्पंज होल्डिंग की ये पहचान यहां से याद रखना, एक तो इसमें यहां पर जो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, इसके जो टिप्स होते हैं वो ओवम शेप के होते, इस ओवम शेप के होते हैं, गोल गोल से, ठीक है ना, ओवल जैसे। और दूसरा इस पे हल्के लोब टाइप होता है इसके अंदर, तो ये याद रखना स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप कहलाती है। तीन पहचान याद रखो आप। ओके, निडल यूज्ड फॉर लंबर पंचर, ये देखिएगा लंबर पंचर का निडल, ठीक है, ये और अच्छे से दिख जाएगा आपको, स्पाइनल निडल। ओके, 20 गॉज वाला है ये, आप देखना मोस्टली 20 गॉज ही यूज करते हैं एडल्ट्स के लिए, ठीक है ना। एलपी में निडल कौन सा यूज करते हैं, 20 गॉज वाला यूजुअली किट में जो आता है। अब ये स्पंज स्टिक्स है, स्पंज स्टिक्स ये पूरा किट है, एलपी किट जो आता है प्रिपेयर्ड आ जाएगा, पेशेंट को लिखोगे आप तब। ये ब्लू शीट है, बैंडेज है, टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, सैंपल कलेक्शन के लिए 3 टेस्ट ट्यूब रखनी थी आपको। व्हाइट शीट है, मैनोमीटर ट्यूबिंग आ गया, ओके, बेसिन है, गॉज आ गया, स्पाइनल निडल आ गया, स्टॉप कॉक आ गया, 3-वे स्टॉप कॉक, मैनोमीटर के साथ ही ये हमेशा जरूरत पड़ेगी। एनेस्थेशिया निडल रखा हुआ है, 20 गॉज का निडल रखा हुआ है, ठीक है। देन देखिएगा ये 20 गॉज वाला एलपी निडल, 3-वे स्टॉप कॉक, साफ सेफ्टी डिवाइस, 10 गॉज पैड है, 5 सिरिंजे, 5 ml सिरिंजे, 5 ml का लाइडोकैन है, और 22 गॉज और 25 गॉज के दो निडल यहाँ पर रखे हुए हैं। स्पेसिमेन वायल रखी हुई है, ये देखो 4 वायल रखी हुई है, एक एक्स्ट्रा इसलिए ताकि अगर एक आध टूट भी जाए ना तो भी आपका काम चल रहा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है वायल। मार्किंग पेन है, एक्सटेंशन ट्यूब है, 2 स्टेराइल ड्रैप्स हैं, ओके, ये सब रखा हुआ है एलपी किट के अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लंबर पंचर के ऊपर। प्लीज यदि अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, और यदि अगर आपने वूगली ऐप को रेटिंग नहीं किया है तो आप अभी और इसी वक्त जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और आपके अपने वूगली ऐप को जरूर से जरूर रेटिंग करिएगा। और एक और खुशखबरी की बात है कि वूगली ऐप के ऊपर आपका कल एक नया कोर्स ऐड हुआ था क्रैश कोर्स के नाम से, जिसमें सारे लेक्चर्स को अरेंज करके और सिस्टमेटिक वे में जमा करके और एक कोर्स मैंने बनवा दिया है, और उस कोर्स में आपको पूरा एम्स दिल्ली का पैटर्न और क्रैश कोर्स किस तरह से पढ़ना है वो आप वहां से सीख सकते हो, वो आपको अपनी वुगली ऐप के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है, मेंटेनेंस कॉस्ट पर। दोस्तों अब आती है दूसरी बात कि सिंपली जो बैचेस में टेस्ट सीरीज रेगुलर में चलती है अपनी स्किल वाली, वो टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करना है और उसके अंदर कोई भी प्रोसीजर ऐसा ना बचे जिसका टेस्ट आपने ना दिया हो। अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस देखने में तकलीफ आती है तो सॉल्यूशंस वगैरह वैसे जो बैच के अंदर टेस्ट होते हैं उसके अंदर, वो परफॉर्मेंस में जाने के बाद जैसे ही परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्कोर कार्ड खुल के आ जाएगा। अभी तक हमारे साथ आपने जितनी भी टेस्ट दिए हैं बुगली के साथ, हमारे साथ जब से आप जुड़े थे तब से लेकर आपने जितने एग्जाम अटेम्प्ट करे हैं हमारे, वो सबका परफॉर्मेंस आपको वहां पर एक साथ नजर आ जाएगा। तो प्रोफाइल पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे क्लिक करके साइड में स्क्रॉल करना, परफॉर्मेंस ऑप्शन आएगा और वहां जाकर के आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो। एक काम और जरूर करना आप लोग सब, अपनी डीपी प्रोफाइल पिक्चर वो जरूर आप अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि आप सब अलग अलग दिख जाएं, क्योंकि वहां पर एक जैसे सपोज करो सुमित है तो सुमित एक नहीं है, वहां कम से कम 50 सुमित है, राइट। तो एक जैसा उनको साथ सबके साथ शो होता है, सबकी शक्लें एक जैसी दिखती है, इसलिए आप अपनी अपनी कम से कम डीपी वहां अपलोड कर लीजिएगा ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट बन जाती है। अश्विन गाइस थैंक यू सो मच, आप अभी और इसी वक्त जाइए और बुगली ऐप को रेटिंग जरूर करिएगा, 5 स्टार से कम रेटिंग मत करना, ठीक है। और आपकी रेटिंग मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम
15 मिनट का ब्रेक लेंगे और 15 मिनट के ब्रेक के बाद में दो लेक्चर हम वापस से कंप्लीट करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की दोनों क्लासेस, एक माइलोग्राफी और एक मेमोग्राफी, माइलो और मेमोग्राफी के बारे में भी आप कहानी सुन ही लेना लगे हाथ, क्योंकि जब कुछ सुनाया जा रहा है तो हमारा सुनने में कौन सा पैसा लग रहा है, राइट। देखो, दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जो पैसे पे करने के बाद भी नहीं सुनता, अंडरस्टैंड, और एक वो विद्यार्थी जो पैसे पे नहीं करने के कारण नहीं सुनता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे फ्री में कुछ बट रहा है, तो कई बार हमें ऐसी फील भी आ जाती है कि यार ये अच्छा नहीं होगा शायद, राइट, या क्यों टाइम वेस्ट करें, या एक फीलिंग ये आ जाती है कि अभी मेरा कौन सा मुझे जरूरत है, अभी तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, या अभी तो मैं फोर्थ ईयर में हूँ, या अभी तो मैंने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की, तो मैं इसे क्यों पढ़ूं। ऐसे विचार जितने भी हैं वो आपको अपने लक्ष्य से दूर लेके जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव विचारों के साथ में और अपनी प्रिपरेशन को एक लाइन आप प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, ब्रेक के बाद, वापस से दो नए दमदार शानदार लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है।